हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन हाउ में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सपेक्टेड और एक मोबाइल जो है लॉन्च होने वाला था 2017 में, पर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। इसको एक्सपेक्ट किया गया था कि अक्टूबर या नवंबर तक लॉन्च हो जाएगा, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जो कि है शायोमी का रेडमी नोट 5। तो चलिए दोस्तों, इसका एक जो कि रूमर्स है, रूमर्स नहीं बोल सकते, मतलब जानकारी जहाँ से भी मिली है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो वो है फिजिकल ओवरव्यू की। अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको मतलब डिस्प्ले या बॉडी अगर उसकी बात करते हैं तो 5.99 इंच की स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन दी है, जो कि रेडमी नोट 4 में थी 5.5 की थी। आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। डिस्प्ले की अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन आपको मिल रहा है 1080 पिक्सल × 2160 पिक्सल्स की रिजोल्यूशन मिल रही है। और अगर पिक्सल पर इंच मतलब डेंसिटी की बात करें तो आपको मिल रहा है 403 का पीपीआई मिल रहा है दोस्तों। अभी हम फिजिकली ओवरव्यू के बाद जाते हैं प्रोसेसर के बाद परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए मेन तो प्रोसेसर है, जो कि है स्नैपड्रैगन का 625 का, जो कि है क्लॉक्ड है 2 GHz पे। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें आर्किटेक्चर यूज़ किया है कॉर्टेक्स A53, जो कि रेनोवा 64 बिट का प्रोसेसर है। और चिपसेट की अगर बात करें तो चिपसेट है इसमें आपको मिल रही है MSM8953 की चिपसेट मिल रही है। GPU जो मिल रहा है वो एड्रेनो 506 का मिल रहा है, जो कि सेम ही है रेडमी नोट 4 के साथ। तो दोस्तों, बॉडी की अगर बात करें तो ये बोल मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फुल मेटालिक बॉडी, मतलब फ्रेम उसका मेटालिक हो सकता है, जैसे रेडमी नोट 4 में था। पिछला जो बैक पैनल है वो मेटालिक आधा था, तो इसमें कैसा होगा वो देखने लायक होगा। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरा, इसका रियर कैमरा आपको मिल रहा है 12 MP का, और इसमें ऑटो फोकस का सेंसर दिया है, फेस डिटेक्शन ये तो नॉर्मल है, और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। अगर ड्यूल LED फ्लैश भी दिया है। अगर अगर रिजोल्यूशन की बात करें, जो कैमरा कैप्चर कर सकता है वो है 4000 × 3000 पिक्सल्स की रिजोल्यूशन कैमरा कैप्चर कर सकता है। ड्यूल सिम है, हाइब्रिड या नॉर्मल है, मतलब डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, इसमें डाउट है दोस्तों, अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं आई है। फ्रंट कैमरा आपको मिल रहा है 5 MP का, सॉरी ये बीच में ही मैं फंक्शन बोल दिया, पर फ्रंट मेगापिक्सल 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोरेज आपको दो वेरिएंट में आएगा, मतलब 64 GB इंटरनल के साथ 4 GB रैम और 32 GB के साथ 3 GB रैम वाला आ जाएगा। बैटरी की अगर बात करें तो नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन की बैटरी, 4000 mAh की बैटरी आएगी, तो बैटरी बहुत अच्छी है। रेडमी नोट 4 में भी 4000 की थी और वो बहुत ही अच्छी चल रही है। तो ड्यूअल सिम है ये तो है, और ऑब्वियसली वो LTE सपोर्टेड रहेगा दोस्तों। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया है। सेंसर्स अगर बात करें तो सेंसर्स इसको आपको मिल रहे हैं लाइट सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, एक्सेलरोमीटर, कंपास, गायरोस्कोप, ये सब नॉर्मल ही है दोस्तों, उन्होंने जस्ट एक फंक्शन बढ़ा के बताने के लिए ये सब ऑलमोस्ट रहता ही है, सब में नहीं रहता है पर रहता ही है सब मोबाइल में। कलर्स की एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 3 कलर्स में अवेलेबल होगा, जो कि है ग्रे, गोल्ड एंड ब्लैक। तो दोस्तों, इसकी लॉन्च डेट तो जनवरी में अभी एक्सपेक्ट की जा रही है, जनवरी 25 या एंड तक ही एक्सपेक्ट की जा रही है। न्यू ईयर में बहुत सारे मोबाइल लॉन्च हो जाएंगे 2018 के, तो एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फीचर्स ऐड हो रहे हैं या क्या फीचर्स निकाल दिए जा रहे हैं, या फिर इससे एक्सपेक्टेशन से कम फीचर्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।